हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने लगाया जासूसी का आरोप। विधानसभा में कहा, घर में ड्रोन से की जा रही है जासूसी। हिमाचल की विधानसभा में आज जासूसी की गूंज सुनाई दी। खुद नेता प्रतिपक्ष और पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने सदन में बात कही। बोले कि एसपी शिमला के आवास से उनके घर पर ड्रोन उड़ाया जा रहा है। किसी के आवास में इस तरह से ड्रोन का वहां पर बार बार आना, बार बार घूमते रहना, ये कहां तक उचित है? क्या ये निजता का हनन नहीं है? शिमला में पूर्व सीएम जयराम ठाकुर इसी बंगले में रहते हैं। इस घर पर ड्रोन से जासूसी किए जाने का आरोप उन्होंने विधानसभा में लगाया, लेकिन सीएम सुक्खू ने कहा कि सरकार किसी की जासूसी नहीं करवा रही है, फिर भी जांच करवाएंगे। ना तो किसी ड्रोन के द्वारा प्रतिपक्ष के नेता की जासूसी करवाई गई है, और कोई भी अधिकारी इसमें अगर सम्मिलित होगा हम उसके खिलाफ भी एक्शन लेंगे। हिमाचल में बीजेपी सुक्खू सरकार को अलग अलग मुद्दों पर घेर रही है। एक्साइज पॉलिसी के मुद्दे को लेकर बीजेपी विधायकों ने वॉकआउट भी किया। हिमाचल विधानसभा में स्पीकर के एक पुराने बयान पर खड़ा हो गया सियासी तूफान। बीजेपी के विधायकों ने सदन में भारी हंगामा किया और फिर वॉकआउट कर दिया। कुछ महीने पहले हिमाचल में कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन में दिया स्पीकर कुलदीप पठानिया का यही वो बयान है जिसकी गूंज आज विधानसभा में सुनाई दी। बीजेपी के विधायकों ने इस पर इतना हंगामा किया कि सदन से वॉकआउट कर दिया। बीजेपी विधायक स्पीकर से खेत जताने की मांग कर रहे थे। विधानसभा के अध्यक्ष आज से पहले भी रहे, लेकिन इतने एरोगेंस मैंने किसी विधानसभा के अध्यक्ष में देखी नहीं। छह विधायकों के सिर कलम करने वाले पुराने बयान को लेकर जब स्पीकर से पूछा गया तो वो तमतमा गए, कहने लगे मैंने सदन में ऐसा कोई बयान नहीं दिया। कि सदन के अंदर जो होता है वो अंदर है, सदन के रिकॉर्ड पर आ चुका है, और मीडिया के लोग जो अंदर थे उनको इस बात की जानकारी है। लेकिन सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू स्पीकर के पुराने बयान को डिफेंड करते नजर आए। राजनीतिक युद्ध पृष्ठभूमि की भाषा होती है, अरबी में बोलते हैं कि हमने उनको छह को जो कानून के दायरे में आते थे उनके सर को हमने कलम कर दिया, क्या गलत बोला इसमें। इसी साल फरवरी महीने में हिमाचल में राज्यसभा की एक सीट पर हुए चुनाव में कांग्रेस में बगावत हो गई थी और बीजेपी वो सीट जीत गई थी। तभी स्पीकर ने छह विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर ईडी के एक्शन से हरियाणा में सियासी सरगर्मी। अभय चौटाला ने की हुड्डा की गिरफ्तारी की मांग, वही हुड्डा ने खुद को बताया पाक साफ। अभय चौटाला ने कहा कि उन्होंने हुड्डा के खिलाफ 400 पेज की चार्जशीट विधानसभा में रखी थी, लेकिन सूबे की बीजेपी सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। अभय ने हुड्डा की गिरफ्तारी की डिमांड करते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी और कांग्रेस में मिलीभगत है। जब एक आदमी का पता लग गया कि इसने इतनी बड़ी डाका मारा है, यहाँ चोरी करी है, तो कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मुकदमा दर्ज कर दिया तो फिर अरेस्ट क्यों नहीं? ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जुड़ी संपत्तियां कुर्क की हैं। इस मामले में हुड्डा ने खुद को पाक साफ बताया है। वहीं बीजेपी कह रही है कि सीबीआई केस में आरोपी सीएम बनने का सपना देख रहा है। तो पुराना केस है, मेरा कोई नहीं। ये इतना बड़ा कांड हुआ है और इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की भी संलिप्तता है, और किसी भी प्रकार से इनके हाथ में हरियाणा की चाबी नहीं जानी चाहिए। हरियाणा में चुनाव का ऐलान हो चुका है, ऐसे में हुड्डा के खिलाफ ईडी के एक्शन की टाइमिंग पर कांग्रेस नेता सवाल उठा रहे हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में बड़ी जुबानी तलखी। उमर अब्दुल्ला ने कहा गठबंधन से डरे विरोधी, महबूबा का काउंटर अटैक। जम्मू कश्मीर में जैसे जैसे चुनाव प्रचार आगे बढ़ रहा है बयानों की तलखी भी बढ़ती जा रही है। चुनाव प्रचार के लिए राजपुरा पहुंचे उमर अब्दुल्ला ने विरोधी पार्टियों पर निशाना साधा। उमर ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन से विरोधी पार्टियां डर गई है, और उसका पहला ही असर हमने देखा जबकि गुलाम नबी आजाद साहब ने कहा कि अब वो कैंपेन करने नहीं आएंगे। उमर पर महबूबा मुफ्ती ने काउंटर अटैक किया। महबूबा ने कहा कि सत्ता के लिए अब्दुल्ला परिवार कुछ भी कर सकता है। कॉन्फ्रेंस का ही है, उन्हीं का है, ये कॉल रहा है कि जब उनको कुर्सी मिलती है तो इलेक्शन हलाल हो जाते हैं, जब कुर्सी छूट जाती है तो इलेक्शन हराम हो जाते हैं। जम्मू कश्मीर में टिकट बंटवारे के बाद बीजेपी की परेशानियां कम होती नहीं दिख रही है। 5 दशक से बीजेपी से जुड़े चंद्रमोहन शर्मा ने टिकट बंटवारे पर सवाल उठाते हुए पार्टी छोड़ दी। मैंने कहा पैराशूट से आए, चलो एक पैराशूट से, दूसरा जो पैराशूट से नहीं भी आए वो मोस्ट अनडिजर्विंग पीपल को आगे लाया गया, ना उनके क्वालिफिकेशन है, ना उनका करेक्टर है, ना लोगों का उन पर भरोसा है। तो आपने
इस सियासी गहमा गहमी के बीच अपनी पार्टी समेत दूसरी पार्टियों का चुनाव प्रचार जारी है। समाजवादी पार्टी भी जम्मू कश्मीर में उम्मीदवार उतार सकती है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जल्द ही इस पर फैसला किया जाएगा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।